वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एच आर फोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं मैट्रिक के विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग, मेरी दुआ आपके साथ है कि आप अपने मैट्रिक में सफल हो जाएं। आज मैं आपको उर्दू 5 नंबर का खत पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपको आगे होने वाली परीक्षा में काम आ जाएगा। तो आप देखें कम शब्दों में हम अच्छे से कैसे लिखना सीखते हैं, ध्यानपूर्वक आप देखें और नोट कर लें, आप उसको नोट ज़रूर करें, ठीक है। पहले होगा अपने वालिद को एक ख़त लिखें जिसमें अपनी तालीमी मसरूफियात को बयान करते हुए आगे की पढ़ाई का जिक्र हो। तो सबसे पहले दो चीज़ देखें, लिखना किसको है ख़त, वालिद मोहतरम को लिखना क्या है, तालीमी मसरूफियात, तालीम में आप कैसे बिजी हैं और आगे की पढ़ाई क्या करना चाहते हैं, यानी आपका मैट्रिक हो जाए तो आप आगे क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो लिखने का, अब देखो, अब यहाँ आप लिखोगे जवाब, ऐसे आप दोगे जवाब नंबर एक, ये डिस्टेंस होना चाहिए आपका, ये ऐसे एक पेज में खाली साफ लिखोगे, आप खुशखत लिखोगे तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। हम लिखेंगे मोरखा 17 फरवरी 2022, यानी डेट, या आप तारीख लिख दोगे, मैंने मोरखा लिखा है, तारीख लिख दोगे। वालिद मोहतरम सलामो मसनून, अब वो ज़माना गया, मोहतरम जनाब वालिद साहब सलामो अलैकुम, ये पुराना हो चुका, अब आप ये लिखो वालिद मोहतरम सलामो मसनून, दुआ ख़त्म। अब हम अपने मकासद बयान करेंगे कि हमें लिखना क्या है। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बखैर होंगे, ये अपनी ज़बान है, अपनी ज़बान में आप लिखोगे, ठीक है। आपको सीखना है मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी बखैर होंगे, यानी आप भी ठीक होंगे। आपको जान करके खुशी होगी, ये देखो, अब देखो हूबहू देखोगे आप, आपको जान कर खुशी होगी कि मैं अपनी तालीमी मसरूफियात में शब रोज़ लगा रहता हूँ, यानी आपको जान करके खुशी होगी कि दिन शब यानी रात रोज़ माने दिन शबो रोज़ दिन रात मैं अपनी तालीमी मशरूफियात में लगा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ाई पर देता हूँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं कहाँ देता हूँ, पढ़ाई पर देता हूँ। क्योंकि कहा क्या कि तालीमी मशरूफियात बयान कीजिए ताकि इम्तिहान अच्छी तरह हो जाए, ताकि मेरा इम्तिहान अच्छी तरह से मैं अपना इम्तिहान दे सकूँ, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि इम्तियाजी नंबर से पास करूँ कर जाऊँ, अल्लाह से दुआ कीजिए कि इम्तियाजी नंबर से पास कर जाऊं। तो आपकी पहली तालीमी मसरूफियात की बातें ओके हो गए, कंप्लीट हो गए। अब है कि आप आगे पढ़ाई क्या करना चाहते हैं, सवाल का दूसरा हिस्सा है कि आप तालीम आगे क्या करना चाहते हैं। तो अब क्या है, कामयाबी हासिल करने के बाद, मैं मैट्रिक में कामयाबी हासिल करने के बाद मेरी ख्वाहिश है कि, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जिसे इंग्लिश में BPSC, ये कॉम्पिटिटिव लाइन का एग्ज़ाम है, ठीक है, BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आप कलेक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जो बनना चाहते हो वो लिख दोगे, सवाल यही होगा, मतलब तैयारी करूँगा और मुल्क की खिदमत करूँगा, यानी मैं अपने मुल्क की खिदमत करूँगा। तो ये देखा आपने, वालिद को ख़त लिखना है, किसको लिखना है, वालिद को ख़त लिखना है, तालीमी मसरूफियात बयान कर दिया, आगे की पढ़ाई क्या करेंगे वो कर रहे हैं, तरीका ही होगा मोरखा 17 फरवरी। अब हम लिखेंगे बकिया तमाम खैरियत है, बाकी सब खैर है, छोटे बड़ों को सलाम पेश करता हूँ। अब वालिद से बात हो रही है, उनके अलावा जो बच गए घर में, छोटे हो या बड़े हो, सबको सलाम अर्ज करता हूँ। फ़कत अस्सलाम, फ़कत के माने होता है बस, फ़कत अस्सलाम, बस सलाम, आपका प्यारा बेटा, आप अपना नाम लिख दोगे, ये आपका ख़त हो गया, आपको 5 नंबर इंशाल्लाह पूरा का पूरा आपको ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ ये दो चीज़ होगी, मोरखा 17 फरवरी डेट ऐसे लिख दोगे, यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे वालिद मोहतरम सलामो मसनून, ये पूरा आपको कहेगा कि आप दुआ के लिए दरख्वास्त करें, तो आप अलग चीज़ लिखोगे कि आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त, दुआ करें ताकि मैं अच्छी कामयाबी से मैट्रिक तैयारी कर रहा हूँ, जो मैट्रिक पास कर जाऊँ और अच्छे इम्तियाजी नंबर से मैं कामयाब हो जाऊँ। जो पूछेगा तो सवाल को अच्छे से देखना, लिखना किसको है और लिखना क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बहुत उम्मीद लगाता हूँ आपसे कि आप समझ गए होंगे, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी आपको वीडियो मिलने वाला है, आगे मैं दरख्वास्त बताने वाला हूँ कि दरख्वास्त 5 नंबर का पूछता है कैसे लिखेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाने वाला आपको, तो चैनल को अपने तो सब्सक्राइब जल्दी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।